अगर डेंगू का पेशेंट तुम्हारे पास आता है तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हमें करानी चाहिए डेंगू के पेशेंट में? तो सबसे पहले हम सीबीसी करा के देखते हैं, तो इससे तुम्हें क्या पता चलता है, हीमोग्लोबिन का लेवल पता चल जाता है सीबीसी से, यानी कि हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो रखा हुआ, टीएलसी बढ़ी हुई मिलेंगी उसकी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और डीएलसी यानी कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो इसमें दो यानी कि एक तो न्यूट्रोफिल बढ़ हुई मिलेंगे और मोनोसाइट बढ़ हुई मिलेंगे, यानी कि जो डेंगू का पेशेंट होगा, ठीक है। और क्या मिलता है पीवीसी में, तुम्हें प्लेटलेट्स मिलते हैं, तो प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज्यादा डाउन मिलेगा पेशेंट का जो डेंगू का होगा। और क्या होता है, एक टेस्ट ये कराते हैं हम, यानी कि NS1, IgG, IgM, तो दो किट्स होती है तुम्हारी, एक एलाइजा होती है, एक रैपिड किट्स होती है। तो सपोज मानो कि NS1 पॉजिटिव आ गया, ठीक है, और ये दोनों क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि जो डेंगू हुआ है उसे 2 से 4 दिन हुए अभी हुआ हुए, और मान लो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है और ये वाला क्या नेगेटिव है, ठीक है, तो कितने दिन हो गए पेशेंट को डेंगू हुए, 5 से 7 दिन हो रखे हैं, और मान लो तीनों पॉजिटिव हो गए, तो ये सीबीएटी को शो करता है, यानी कि बहुत ज्यादा सीबीआई डेंगू से हो रखा है, यानी कॉम्प्लिकेशन भी हो रखे हैं डेंगू के साथ। और मान लो अगर ये तीनों नेगेटिव से ये तो क्या है, जो डॉक्टर है उसने गलत डायग्नोस कर रखा है, यानी कि डेंगू नहीं है पेशेंट के लिए। और मान लो अगर ये भी नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है रिकवरी हो चुकी है, ठीक। तो इसके बाद हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे डेंगू।